गुड मॉर्निंग बच्चों, हर से एजुकेशन ऑफ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द की पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द देखिए, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। पर्याय का सामान्य अर्थ क्या होता है? इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का समान अर्थ वाला शब्द होता है। समान अर्थ वाला शब्द परिभाषा देखिए, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम कुछ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, देखो अग्नि, अनल, पावक, दहन, आकाश। मधुर सौम, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, के बाद हम लेंगे आगे के शब्द। जैसे अतिथि, कि अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि कौन होता है भी? अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान।
सूर्य, सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि, चंद्रमा, शशि, चंद्र, चंद्र, अंश, मयूर, कर, अंश, मयूर, कर, मरीचि, इच्छा, आकांक्षा, तो ये हमारे क्या हुए पर्यायवाची शब्द। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक, यानी एक से अधिक ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम ही निकलता है, जैसे अतिथि, अब व्यागत भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं हम। वन का जंगल, कानन, अरण्य, विपिन, दावा, अटवी, लेकिन इनका संपन्न अर्थ क्या होता है, सिर्फ जंगल ही होता है। इसके आगे हम दो तीन और देख लेते हैं। गणेश, गजानन, गणपति, विघ्नहर्ता, काफी नाम है गणेश जी के, लंबोदर, विनायक, जल, नीर, अंगूर, तोल, फल। ठीक है, आज के लिए हमारे इतना ही काफी है, और आगे की कुछ आगे की वीडियो फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो पर्यायवाची टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।